एक बार फिर एलिगोरी भड़के निकी तंबोली पे। जी हाँ, हाल ही के एपिसोड में हमने देखा कि कल के एपिसोड में निकी तंबोली ने किस तरीके से शहजाद को गालियाँ दिया। उसके बाद जब जैस्मिन गई तो उन्होंने जैस्मिन को भी गाली दी। यहाँ पर जब उन्होंने घर के अंदर जैस्मिन को गाली दी और जैस्मिन काफ़ी इमोशनल हो गई निकी तंबोली के वर्ड सुनकर, एंड जब वो बिग बॉस को कहती है संचालक के बारे में और गालियाँ देने के बारे में, तो उसके बाद एलिगोनी ट्विटर पर निकी तंबोली के ऊपर भड़कते हैं और वो कहते हैं कि निकी तंबोली के अंदर बिल्कुल भी जो है इज्जत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो ऐसे कैसे नेशनल टेलीविजन पर गाली दे सकती है, और वो निकी को खूब लताड़ते हैं। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि बिग बॉस के सीज़न में हम इतने सारे एपिसोड देखते हैं हर सीज़न के, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो गाली गलौज तो हर सीज़न में हुआ है, भले वो सिद्धार्थ और आसिम के बीच हो या इसके पहले किसी और के बीच में हो, लेकिन हर सीज़न में जो है गाली गलौज होती है घर के अंदर, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर वैसा बन जाता है। आपको क्या लगता है कि एलिगोनी जो जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है ये कितना सही है कितना गलत है? वेल, अब देखना ये होगा कि जब फैमिली वीक आती है, जब घर के अंदर सबके फैमिली लोग आएंगे, फैमिली मेम्बर्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, तो उस टाइम पे कौन निकी को क्या कहता है, क्योंकि पीछे जो है हर कोई ट्वीट करता है और बोलता है, लेकिन जब घर में जाने की बारी आती है तो लोग जो है वो बाहरी बातें नहीं करते। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या निकी तंबोली घर वालों पर भारी पड़ेगी या घर वाले जो है वो निकी तंबोली को घर से ही बेघर कर देंगे? आप लोग मुझे बताओ आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है क्या होगा निकी तंबोली के साथ।